विविधता। कहा जाता है जब युद्ध होता है तो इसमें लड़ाई कई स्तरों पर होती है, जैसे कि पानी, जमीन, हवा के साथ ही साथ राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक स्तरों पर भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो आज हम एक ऐसे ही युद्ध की बात अपनी स्टोरी में बताने जा रहे हैं जिसमें भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ हर स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया और पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी, और उसी का नतीजा था कि भारत के सामने बांग्लादेश में पाकिस्तान को हार स्वीकार करनी पड़ी। ये तो आपको पता ही होगा कि भारत बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए अपनी सेना उतार चुका था, जहां पर भारतीय सेना शानदार प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन उसी के साथ नेवी को भी एक टारगेट दिया गया जिसको नेवी ने शानदार तरीके से पूरा किया। मिशन था कराची पोर्ट को खत्म करना। युद्ध तो 3 दिसंबर 1971 को शुरू हो गया, उसके अगले दिन इंडियन नेवी ने 4 दिसंबर को पाकिस्तान की नेवी पर पहला हमला बोला। हुआ ये कि युद्ध शुरू होने से पहले अक्टूबर 1971 में उस समय के नेवी प्रमुख एडमिरल एसएम नंदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने गए और इंदिरा गांधी से पूछा, अगर हम कराची पर हमला करें तो क्या इससे सरकार को राजनीतिक रूप से कोई आपत्ति हो सकती है। इसके जवाब में इंदिरा गांधी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। उसके जवाब में नंदा ने कहा कि 1965 में नेवी से खासतौर से कहा गया था कि वो भारतीय समुद्री सीमा से बाहर कोई कार्रवाई न करे। इस पर इंदिरा गांधी ने कहा, अगर लड़ाई है तो लड़ाई है। उसके बाद 2 दिसंबर 1971 को पूरा वेस्टर्न फ्लीट मुंबई से निकल गया। उस बेड़े में आईएनएस निपात, आईएनएस वीर और आईएनएस निर्घट शामिल थे। हर बोट पर 4-4 मिसाइलें थी, उनके ठीक पीछे आईएनएस किल्टन भी चल रहा था। 4 दिसंबर की रात ठीक 10:40 पर आईएनएस निर्घट ने पाकिस्तान के जहाज पीएनएस खैबर पर पहला हमला किया। हमला इतना सटीक था कि मिसाइल लगते ही खैबर हिल गया। उसमें मौजूद जवानों को पता ही नहीं चला कि हमला कहां से हुआ। वो कुछ सोच पाते तभी थोड़ी देर बाद दूसरी मिसाइल चली और खैबर डूब गया, और इस हमले में पाकिस्तानी नेवी के 222 जवानों की मौत हो गई। अब बारी थी आईएनएस निपत की। रात 11 बजे आईएनएस निपत ने पाकिस्तान के एमवी वीनस चैलेंजर और पीएनएस शाहजहां पर 2 मिसाइलें दागी। वीनस तबाह हो गया और शाहजहां को काफी नुकसान हुआ। निपत निर्घट के हमले के बाद अब तीसरे हमले के लिए आईएनएस वीर की बारी थी। रात 11:20 पर वीर ने पीएनएस मुहाफिज पर मिसाइल से हमला किया। वीर का हमला इतना सटीक था कि मुहाफिज तुरंत टूट गया और इसमें मौजूद 33 जवानों की मौत हो गई। इसी बीच आईएनएस निपत कराची पोर्ट की तरफ बढ़ता गया। कराची पोर्ट पाकिस्तान के लिहाज से बहुत खास था क्योंकि इसके एक तरफ पाकिस्तानी नेवी का हेडक्वार्टर था और दूसरी तरफ पाक का तेल भंडार। आईएनएस निपत ने पोर्ट की ओर 2 मिसाइलें दागी, एक मिसाइल मिस हो गई जबकि दूसरी सीधे निशाने पर लगी और तेल के टैंक में जा लगी। हमले के बाद जबरदस्त विस्फोट हुआ। लेखकों और चश्मदीदों की माने तो विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आपकी इलेक्ट्रो को 60 किलोमीटर की दूरी से भी देखा गया था। यह एक जानकारी आपको देते चलें कि यह पूरा ऑपरेशन 5 दिन तक चला। नेवी ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ट्राइडेंट दिया। इस पूरे ऑपरेशन में भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि पाकिस्तान के कई जवान इसमें मारे गए और तेल टैंक तबाह हो गए। 4 दिसंबर को शुरू हुए इस ऑपरेशन की वजह से ही हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि भारतीय नेवी ने कैसे कराची पोर्ट को तबाह किया और पाकिस्तान देखता रह गया।